के बारे में बताया था, आज हम एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो थॉमसन का मॉडल था, और थॉमसन के मॉडल के बाद हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं आज, देख लीजिए ध्यान से। तो आपको याद होना चाहिए कि हमने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, रदरफोर्ड के द्वारा ये परफॉर्म किया गया था। उसके दो चेले और थे, गीगर और मार्सडन। उन्होंने एक लेड का बॉक्स बनाया और इस लेड के बॉक्स में एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया, और उस सोर्स का नाम था बिस्मथ। क्या था? बिस्मथ का जो मास एटॉमिक नंबर है वो है 83 और मास नंबर है 214, 214। इसको उसने अल्फा पार्टिकल के सोर्स के तौर पर लिया, और बीच बीच में उसने क्या किया, ब्रिक्स या फिर स्लिट्स लगा दी, और वो भी लेड की बनी हुई थी। लेड इसलिए क्योंकि वो क्या करता है, वो अल्फा रेस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे क्या होता है भैया, इससे एक कॉलीमेटेड बीम बनती है। कॉलीमेटेड का मतलब होता है कंसेंट्रेटेड बीम बनती है जो एक फिक्स डायरेक्शन में जाए। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो सोर्स रखा हुआ है इससे अल्फा पार्टिकल ऐसे निकलते हैं, और अल्फा पार्टिकल जब ऐसे निकलेंगे तो ये जो इधर उधर वाले हैं ये तो उस पर सामने जो फॉइल है उस पर टकरा नहीं पाएंगे। तो इधर उधर टकराने से रोकने के लिए, फैलने से रोकने के लिए इन्हें एब्जॉर्ब कर लो, बस बीच की एक बीम है जो जाएगी, उसको हम नाम दे देते हैं कॉलीमेटेड बीम। तो जो बीच बीच में मैंने आपको डायग्राम में पहले बनवाई थी ना लेड की स्लिट्स, उन्हें हम बोलते हैं कॉलीमेटर। गोल्ड को क्यों लिया जाता है, उसके दो रीजन मैंने पहले भी बताए थे, आज भी जान लो। गोल्ड एक तो मोस्ट वैल्यूएबल मेटल है, तो उसकी पतली शीट जितनी आप बना सकते हो 10^-8 मीटर की, उतनी आप किसी और की नहीं बना पाओगे। और दूसरा, गोल्ड जो है वो नॉन रिएक्टिव है, मतलब लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल भी बोल सकते हो। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं, एक और रीजन है देखा जाए तो गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो बहुत भारी है, अल्फा पार्टिकल के मास के कंपैरिजन में ज्यादा मास होने की वजह से अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल करना इसके लिए क्या है, काफी आसान है। नहीं तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल से अगर भारी हल्का होता है ये न्यूक्लियस गोल्ड का, तो उससे क्या होता, अल्फा पार्टिकल आए और वो खुद ही टकरा के वापस चले जाए, मतलब ये न्यूक्लियस को ही धक्का मार दे अल्फा पार्टिकल। तो ऐसा इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो काफी क्या होता है, हैवी होता है। फिर जो सामने हमने गोल्ड की फॉइल लगाई थी उसके चारों ओर हमने लगाई एक स्क्रीन, और वो थी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, किसकी, और उसमें हमने लगाया एक माइक्रोस्कोप जो कि रोटेटेबल होता है, मतलब वो चारों ओर घूमता रहता है और आप किसी भी जगह खड़े होकर पता कर सकते हो यहाँ रेडिएशन आने के लिए। फिर रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्व किया अपने चेलों के साथ मिलकर, और वो क्या ऑब्जर्व किया ये देखते हैं। पहला पॉइंट उसने ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास रफली इन स्ट्रेट लाइन, उसने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर सभी पार्टिकल्स जो है वो कैसे हो गए, सीधे सीधे चले गए और स्ट्रेट चले गए, अनडिफ्लेक्टेड बोल सकते हैं आपने। इससे ये साबित हुआ कि दिस शोड दैट नो फोर्स वॉज एक्टिंग अपॉन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब इससे ये पता चला कि इन अल्फा पार्टिकल्स पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दूसरा, अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्टेड, मतलब बहुत कम संख्या में है जो अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री के एंगल से बाउंस बैक कर गए। इससे क्या पता चला, वो नीचे पड़ते हैं। तो मैंने शायद एक तरफ कंक्लूजन और एक तरफ ऑब्जर्वेशन लिखाए थे, उससे काफी आसान है याद करना क्योंकि इसमें तो गड़बड़ होती है, बट अब ऐसे ही पड़ते हैं। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है स्ट्रेट चले गए, इससे ये पता चला कि ज्यादातर एटम का जो हिस्सा है वो क्या है, खाली है, और रिपल्शन बहुत ही कम संख्या के पार्टिकल्स का हुआ। तो इससे ये पता चला कि जो पॉजिटिवली चार्ज मास है वो कहाँ बैठा हुआ है, बहुत ही कम क्षेत्र में बैठा हुआ है, बोल दो है ना, ठीक है। और जो न्यूक्लियस का साइज है वो हमें पता चला कि 10^-15 से 10^-14 तक है, और वो हमने कैसे निकाला आपको याद होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या इंपैक्ट पैरामीटर। फिर आपको याद होगा रदरफोर्ड ने अपने इसी ऑब्जर्वेशन के दौरान दो चीजें और कैलकुलेट करने की ठानी, उनमें से एक था इंपैक्ट पैरामीटर और दूसरा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसने सारे अल्फा पार्टिकल्स की ना पाथ को ट्रेस किया और एक ट्रेजेक्ट्री बनाई, क्या बनाई एक, और उस ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से उसने एक रिजल्ट निकाला, और वो रिजल्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उसने एक रिलेशन दिया और वो रिलेशन ये था कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड है वो साइन की पार 4θ/2 के क्या है, इनवर्स है। ये उसने जो फॉइल लगा रखी थी ना, जो वो माइक्रोस्कोप और वो वाला सिस्टम लगा रखा था, उससे उसने पता किया ये रिलेशन। अलग अलग एंगल पर जब उसे पार्टिकल्स मिले तो उसने एक जनरल रिलेशन बना दिया। इस रिलेशन में जब आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखते हो तो 180/2 90 होने की वजह से साइन की पार 4, मतलब साइन 90/4 1 हो जाता है, तो ये मिनिमम आ जाता है। यानी कि एक या दो ही अल्फा पार्टिकल थे 8000 में से जो 180 डिग्री के एंगल पे बाउंस बैक कर गए, वो भी इस बात से, इस रिलेशन से, वो बात भी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड है। इसके अलावा अगर आप इसमें थीटा 0 रख दोगे तो साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/0 इन्फिनिटी होता है, मतलब ये इन्फाइनाइट हो जाएगा। और पहला ऑब्जर्वेशन यही है कि जो पार्टिकल सीधे सीधे जा रहे हैं, यानी कि जिनका थीटा 0 है या 0 के आसपास है 1/2 डिग्री का, उनकी जो संख्या है कैपिटल एन वो बहुत ज्यादा होगी। इस रिलेशन से ये साफ साफ पता चल रहा था, और ये रिलेशन निकाला एक्चुअली में पहले
उसके बाद में, अच्छा इस रिलेशन में जो थीटा था उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। उसके बाद में उसने दो टर्म और निकाले, एक था इंपैक्ट पैरामीटर और एक था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उस अल्फा पार्टिकल को पकड़ के निकाला गया जो 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो रहा था। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से हमें पता चला कि न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर कितना, मतलब किस वैल्यू से उसका जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब निकाला गया तो इसका फॉर्मूला आया था 2k ZE स्क्वायर अपॉन EK, यही था। इसकी जब वैल्यू सॉल्व की गई, ये 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखी गई, k की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹, Z 7989 जो भी गोल्ड का होता है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁹। सारी वैल्यू रखने के बाद इसका जो ऑर्डर आया वो ऑर्डर आया 10⁻¹⁵ से 10⁻¹⁴ मीटर। क्यों बेटा, इसका मॉडल फेल क्यों हुआ था? हाँ ये रहा, इसके मॉडल की दो कमियां हमें मिली थी। पहली, ये एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी के अनुसार जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा होता है सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से, तो उस पार्टिकल को रेडिएशन एमिट करने चाहिए और उसे घुस जाना चाहिए अपनी एनर्जी लूज करके, कहां, न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो बाद में नील्स बोर आके इसका रीजन बताएगा कि भाई साहब एक कंसेप्ट था जिसे हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या था? स्टेशनरी ऑर्बिट। अच्छा था, मेरे हाथ में पेन ही था बस। देखिए, ठीक है, तो पहली कमी तो वही थी जो थॉमसन भी नहीं समझा पाया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, बोल दो है ना। और दूसरी जो कमी थी उसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन ना कर पाना, बोल दो है ना। रुक जाबे, अब तो भी ठीक है, पहले कहां जा रही थी पता ही नहीं था। आइए, तो पहला पॉइंट क्या है, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये समझा ही नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहा है और क्यों न्यूक्लियस में नहीं घुस रहा। घुसते तो है ही नहीं, हम सब जानते हैं, पर क्यों नहीं कर रहा ये समझा ही नहीं पाया। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रम। मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएंगे, उनका कभी मन करेगा तो वो किस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो बाद में आपको याद होगा, मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि एटम्स के अंदर बहुत सारे लेवल होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उछल कूद करते रहते हैं अगर उन्हें एनर्जी मिल जाए या देनी हो तो इसलिए वो एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं और उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। हमने कौन सा वाला स्पेक्ट्रम पढ़ा है? लाइन वाला पढ़ा है। नीचे लिखा भी, इट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। फिर आया नील्स बोर, कौन आया? और नील्स बोर ने भाई साहब चार पोस्टुलेट दे दिए। कितने? पहला पोस्टुलेट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में, चार है भी कि नहीं, यहाँ चार है नहीं पर मेरे नोट्स में आप देखेंगे तो पहले पोस्टुलेट में तो उसने वही घिसीपिटी लाइन बोली न्यूक्लियस के बारे में। दूसरे पोस्टुलेट में उसने शुरू किया अपना असली जहर। दूसरे पोस्टुलेट में उसने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ सर्टेन ऑर्बिट में ही घूम सकती है। ये रहा दूसरा पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीजर में आए, किसके, h/2π के, जहां पे s प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये उसने कंडीशन दी, इसे बाद में नाम दिया गया नील्स बोर क्वांटाइजेशन रूल, बोल दो आया ना, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि ऐसी ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो और उसकी एनर्जी फिक्स हो, चेंज नहीं हो रही हो, तो ऐसी ऑर्बिट को उसने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या नाम दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट्स नाम दिया, ठीक है साहब। उसके बाद उसने एक और पॉइंट बताया ट्रांजिशन वाला, जो मेरा चौथा पोस्टुलेट होगा शायद। उसने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी व्हेन इट डज सो अ फोटोन इज रेडिएटेड। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो फोटोन रिलीज करेगा और जब भी इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना होगा तो फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा, यानी कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन। पहला फॉर्मूला था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। वीएन क्या है? एन एच अपॉन, सच्ची में, और एनर्जी का क्या था? गलत है, एनर्जी का होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस की इज्जत ही नहीं है, बताओ ये माइनस हमें क्या बताता है? सिस्टम कैसा है? बाउंड है। कैसा है सिस्टम? सिस्टम क्या है दोस्तों? बाउंड है। और बाउंड सिस्टम का मतलब कैसे फोर्सेस शामिल है उस सिस्टम में? अट्रैक्टिव फोर्सेस शामिल है।
अरे हाँ है ना, तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो रेडियस की सबसे छोटी वैल्यू थी वो थी 0.529 एंगस्ट्रॉम, जैसे हम लोगों ने नाम दिया था बोल्स रेडियस। क्या नाम दिया था? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और कुछ है? हाँ है, हमारे पास एक नई चीज है। याद करो कुछ दिन पहले मैं इसकी बात कर रहा था, कुछ दिन पहले मतलब दो दिन पहले क्या बात की थी, याद है? बताना चाहेंगे? पढ़ लिया? क्या पढ़ा था बताओ, ऐसे पढ़ने का क्या फायदा है? क्या फायदा है ऐसे खाने का? क्या फायदा है एक घंटे के बाद निकाल दो? ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा है कि दो दिन बाद भी सुना ना पाओ बता ना पाओ? अगर आपसे वो डी ब्रोगली की थ्योरी का इस्तेमाल करके नील्स बोर की क्वांटाइजेशन की कंडीशन को प्रूफ करवाना चाहे तो वो आप कैसे करोगे? ये है इसमें, डिराइव या डिड्यूस बोस क्वांटाइजेशन कंडीशन यूजिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। कितने पढ़ा था ये? दो पेज दिए थे सब। बेटा टाइम पास हो रहा तुम्हारा। देखिए तो इसमें बोला जा रहा है कि जो ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं वो एनर्जी तो प्रोपगेट करती हैं, लेकिन स्टेशनरी वेव जो होती हैं वो एनर्जी प्रोपगेट नहीं करती। ये क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। दो प्रकार की वेव होती है, एक ट्रैवलिंग वेव और एक स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। तो वो ये कह रहा है कि कुछ कुछ ऐसे समझ लो कि आपने एक रस्सी है जिसे फिक्स कर दिया एक एंड पे और दूसरे एंड से आपने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो कुछ इस प्रकार की वेव बनते हुए जाएगी। मान लिया था कि इसके इस एक ऑर्बिट में कितनी वेव्स बनी होंगी? एन वेव्स बनी होंगी। तो एक वेव की जो लंबाई है वो है लैम्डा, तो एन वेव्स की क्या हो जाएगी? एन लैम्डा। और इस पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस अगर आर एन ले लूं मैं तो इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2πRn। तो इसे आप मान सकते हो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद की कहानी नीचे है, तो फटाफट से पहले ये डायग्राम बनाओ, ये कंडीशन लिखो और ये जो लाइन दे रखी है ये लाइन लिख लो बस। ये दो नंबर में पूछा जा सकता है तो मैं करवा दे रहा हूं। ऊपर वाली और उसके बाद सीधे डायग्राम बनाना है और डायग्राम के बाद जो कंडीशन मैंने बताई थी वो लिखनी है और इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेना है। ठीक है, बना लिया होगा अब तक। अब अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा तो मैंने क्या किया था, देखो मैं पूरा डेरिवेशन ही बता देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंडीशन बताई थी, क्या थी? 2πR बराबर एन लेमडा। इसमें लेमडा की जगह क्या रख दिया मैंने बताओ? H अपॉन P, क्या रख दिया है? और ये कहां से आया? डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से। तो आपने लिखा है ना डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके क्वांटाइजेशन रूल फॉलो करिए, प्रूफ करिए। क्या हो गया? क्या हो गया? कौन था? आओ। ठीक है, किसी को ढूंढ रही है तुम? कुछ चवन्नी वन्नी तो नहीं ले आए उनकी उठा के? चलो 2πR इक्वल्स टू एन एच अपॉन पी। पी की जगह क्या होगा? एम बी। अभी एन से एन काट मत देना यार, वो तो बस सब्सक्रिप्ट के लिए है। ठीक है, अब एम बी को मैं ऊपर ला रहा हूं। और आप सबको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम बी आर। तो आप देख लीजिए, जो कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी वो कर दी, नीचे भी हो रही है वैसे यहां भी कर दी। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। स्पेक्ट्रा एक्चुअली में प्लूरल शब्द है किसका? स्पेक्ट्रम का। किसका? स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलेक्शन। तो जैसा कि नील्स बोर ने बताया अपने चौथे पोस्टुलेट में कि किसी भी एटम के अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं और जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक्साइट हो जाएगा और जब भी उसे डी एक्साइट होना होगा तो वो एनर्जी को क्या कर देगा? रिलीज। तो जब वो एनर्जी को रिलीज करता है इस वाले कलेक्शन को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। और हर एक लेवल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो जंप कर सकते हैं और हर एक ट्रांजिशन के लिए एक लाइन होती है। मैंने पहले एक सीक्वेंस में भी बताया था, हर एक ट्रांजिशन की एक लाइन होती है और ऐसी बहुत सारी लाइंस को मिला के क्या बनता है? हाँ, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। और ऐसी बहुत सारी लाइंस को जब हम मिला लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे बोल देते हैं स्पेक्ट्रल लाइन और स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या बोल देते हैं?
और ऐसी ही पांच सीरीज शायद हमने पहले पढ़ी थी। सबसे पहली जो थी वो थी बामर, हैं? नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके से है। सबसे पहले बामर का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद फिर लाइमन आई। हम पढ़ते लाइमन से है क्योंकि उसमें जो सीक्वेंस है ना वो एन एफ इक्वल्स टू वन है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले लेवल में गिरेगा तो वो लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन में आ जाता है। तो हमने यहाँ वन रख के उस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो पहले लाइमन है, फिर बामर है, फिर पास्टन है। लेकिन अगर आप बात करो किस सीरीज को पहले खोजा गया है, किसके बारे में पहले स्टडी की गई, तो वो बामर ने की। बामर सीरीज की खोज हुई सबसे पहले, या लिखा भी है बामर ऑब्जर्व द फर्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज इन द विजिबल रेंज। और यही हमें दिखती है और जो देखेगी ऑब्वियस सी बात है। क्या हुआ, कितने बजे का बैच है, किसने बोला आपसे, किसने, वो कौन है, कौन से शाम के में? अच्छा आप नए वाले ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो, तो बेटा गलत बताया उसने, गोली दिया उसने आपको। 7:30 का बैच है, अभी 20 मिनट लगेंगे। आप अगर कहीं जाना नहीं चाहें, वेट करना चाहें, बगल में रूम है वहां वेट कर सकते हैं, और घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। घूमिए है बेटा, यही टाइम है घूमने का, उसके बाद कहाँ घूम पाओगे, उसके बाद तो पैरों में बीड़ियाँ पड़ जाएंगी ना। यही टाइम है, इसी में मजे करिए, जितने करने हैं फेयरवेल दामा फलाना ढिमका लिमका जो करना है वो करो, फिर उसके बाद कहाँ आती हैं चीज़ें, कहाँ ये पढ़ाई आएगी, ओ नहीं सॉरी पढ़ाई तो दोबारा आ जाएगी, ये बाकी चीज़ें कहाँ आएंगी। चलो तो बामर ने सबसे पहली जो सीरीज ऑब्जर्व की थी वो ये है, ठीक है ना। चलो जिंदगी के सारे मजे मिलने चाहिए हमें, सारे अब सारे में तुम समझ लो क्या क्या ले सकते हो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें मिल गई बामर सीरीज की। हाँ मैंने बताया था हर सीरीज में आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी वेवलेंथ हमें याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने लाइमन सीरीज पढ़ाई थी और लाइमन सीरीज का सबसे कम वेवलेंथ 912 आया था, 1/RD को मैंने 912 याद कराया था, याद है कछु। और मैंने ये भी बताया था कि जब एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम लोगे तो लैम्डा सबसे ज्यादा निकल के आएगी, और जब एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा लोगे तो लैम्डा सबसे कम निकल के आएगी, क्योंकि लैम्डा और एनर्जी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। आपको याद रखना है किस सीरीज में कौन सा लेवल जो है वो फाइनल लेवल के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो ये NF, ये NI, NI की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, और NF की वैल्यू क्या है, फिक्स है 1 है। और ये कौन सी रेंज में लाई करते हैं इसके ट्रांजिशन, तो आप बोलेंगे यूवी रेंज में। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी है इसकी, 12-15 या 12-16 ही लिखवाई होगी मैंने, 12-15। और शॉर्टेस्ट कितनी है, 912। मैंने एक्चुअली वो लॉजिक के हिसाब से लिखाई थी, 12-15, 12-16 भी याद कर सकते हो, कोई इसमें टेंशन नहीं है। मैंने ऐसे लिखाई थी कि 3 चौक और 3 5 15, उस लॉजिक से आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 3 12 4 4 16, लॉजिक बन जाए बस याद कर लेना, हो पाए तो। बामर सीरीज की सबसे छोटी वेवलेंथ थी 3648, शायद यही लिखवाई थी, लेकिन लॉन्गेस्ट मैंने लिखवाई होगी 6565, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ये जो R आ रहा है फॉर्मुले में, इसमें ये R एक्चुअली में RD है, और इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.09 × 10^7 पर मीटर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, याद है फॉर फास्ट कैलकुलेशन मैंने बताया था 1/RD को क्या याद कर लेना, 912 याद कर लेना। फिर आई थी ब्रैकेट सीरीज नंबर 3, सॉरी पाशन सीरीज नंबर 3, उसके बाद नंबर 4 ब्रैकेट सीरीज, नंबर 5 पी फंड, और भी होती है बट 5 पे ही हमने निपटा दी थी। पहली सीरीज जो है लाइमन है सीक्वेंस के हिसाब से, उसके ट्रांजिशन यूवी रीजन में लाई करता है। दूसरी सीरीज है बामर, उसके ट्रांजिशन विजिबल रीजन में लाई करते हैं, और उसके अलावा जितने भी ट्रांजिशन है वो सब किस में काउंट करेंगे, इंफ्रारेड में, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर लेवल पर जाओगे एनर्जी का डिफरेंस कम और लैम्डा आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। लिमिटेशन मैंने पढ़ा दी बोर के मॉडल, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसमें पूछा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन की दे रखी है, तो इसमें इस्तेमाल होगा ये वाला कंसेप्ट। मैंने कल आपको बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी एंथ ऑर्बिट की, वो टोटल एनर्जी के नेगेटिव में होती है, और टोटल एनर्जी जो है वो -13.6 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। और ऐसे ही मैंने एक और रिलेशन बताया था पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, क्या होता है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई करोगे -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने फिर कराया था ये
कि क्लासिकल मॉडल क्यों फेल हो गया था, तो आप बोलोगे बिकॉज दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी ऑफ एटम लातों से मानते नहीं है, इनके पिछवाड़े पे पटका नहीं जब तक, ये लातों के भूत हैं, ये वैसे ही मानते हैं, सीधे सीधे से कोई बोल रहा है कि आ जाए करो तब नहीं समझ में आई, हट गई एक दिन की क्लास तब समझ में आ रही है। तीसरा क्वेश्चन देखो, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, सीधे क्या समझ ली, मतलब हद है, मूवी थी ना अरे शाहरुख खान की आई थी ना अभी दिलवाले, नहीं आई थी ना, उसमें एक डायलॉग है ना उसका, हम थोड़े सुधर क्या गए है, वही है। चलो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कल बताया था मैंने, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट ऑर्बिट, मतलब जिस ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहा है या पूछ रहा है उसी की बात करनी है। अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है नेगेटिव में उस पर्टिकुलर लेवल की जो एनर्जी है उसके अपोजिट में, अगर आप ग्राउंड लेवल की बात करोगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी प्लस में, ठीक है। अब मान के चलो कोई बोले ग्राउंड लेवल की बताओ, वैसे इस क्वेश्चन में बोली नहीं ना ग्राउंड लेवल, इसलिए मैंने इवन लिखा नहीं है, अगर ग्राउंड लेवल या इनरमोस्ट लेवल की बात करता मैं इवन लिख देता और फिर आ जाता प्लस 13.6, बट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अपोजिट होगी, पहले लेवल में माइनस 13.6 होती है तो पहले लेवल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्लस 13.6 होगी, दूसरे में होती है 3 जो भी है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है, आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में बताना है, आप सबको पता होना चाहिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है एन की वैल्यू 3, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था n इक्वल्स टू 1 तो होता है ग्राउंड लेवल, n इक्वल्स टू 2 होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और n इक्वल्स टू 3 होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। हमारे पास एक फॉर्मूला होता था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का और वो होता था r नॉट इनटू n स्क्वायर बाय z, यही होता था, अरे बोल दो है ना, अरे है ना, ठीक है। तो r नॉट की वैल्यू तो हमें दे रखी है कितनी है 5.3 इनटू 10 की पावर माइनस 11 और n की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 3 और z दे रखा है 1, इसे सॉल्व कर लो, 9 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 47.7 आएगा माइनस 11 मीटर, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखो 4.77 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर और इसे हम लिखते हैं एंगस्ट्रॉम, क्या लिखते हैं बेटा, आज जो क्लास हो रही है वो भी क्लास होते ही हट जाएगी, तो इसलिए अगर आप लाइव ले सकते हो तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, और जो अभी लाइव नहीं ले पा रहा है उसे डबल बधाई हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नेट बचाओ आराम से, दूसरी क्लास ले लो पहले, मेरी बाद में ले लेते हो, है ना, अब ले लेना। Write the expression for Bohr's radius. तो भाई साहब कल मैंने आपको radius of nth orbit का formula बताया था, वो होता है n square upon h square 4 pi square mk z e square mk z e square, इसमें आप n की value 1 रख दो और z की value 1 रख दीजिए क्योंकि hydrogen के innermost orbit की बात कर रहा है, तो 1 का square into h square upon 4 pi square mk z की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा h square upon 4 पाई स्क्वायर m, अब k की वैल्यू हमें पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो अब आप देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एक पाई बचेगा बस और एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा,
तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एच स्क्वायर अपॉन, ऐसे भी लिख सकते हो, मैं ये कह रहा हूं, और कल जो मैंने लिखाया था वो तो लिखा ही जा सकता है। तो ये वैल्यू भी आपको हो सकता है किसी किताब में लिखी हुई मिल जाए, चेक करना सही है। बबूला भैया आ रहे हैं, आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बोर्स कंडीशन बताइए क्वांटाइजेशन की फॉर डिफाइनिंग स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो क्या कंडीशन थी, एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीजर में आना चाहिए किसके, एच अपॉन टू पाई। लेकिन ये कंडीशन लिखनी नहीं थी, क्या करनी थी, स्टेट करनी थी। तो स्टेट करवाया था मैंने, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स इन विच, दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम, इट्स एंगुलर मोमेंटम बिकम्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना था बेटा, साथ के साथ नोट करो बेटा, जो बाद में नोट करेगा वो नोट नहीं कर पाएगा, क्लास रह जाएगी, हट जाएगी वो क्लास खत्म होते ही। हाँ हाँ, तो क्लास नोट करो, साथ के साथ करो, बाकी भी तो बच्चे कर रहे हैं। हर्ष शर्मा जी, आपके ट्रांजिशन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो बेटा पहले फॉर्मूले वॉर्मूले याद कर लो, और फॉर्मूले याद है अगर आपको आपके हिसाब से तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करो, और तब भी नहीं हो पा रहा तो मेरे को भेजो, और फिर तुम और मैं आपस में बात करेंगे शाम को, और मैं देखूंगा कि आपसे वो क्यों नहीं हो पा रहा। तैयार है ना, भेज देना पहले क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको नोट्स याद है और फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो मेरे को भेज दो, और मैं पहले चेक करूंगा कि आपको नोट्स याद है कि नहीं, तो अपने आप फिर मैं बता भी दूंगा वो क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा। नोट्स याद करते नहीं हो, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, भगवान के अवतार हो ना तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो भाई नॉर्मली क्या होना चाहिए, जब आप में से कोई बच्चा कोई क्वेश्चन ट्राई कर रहा है उसे नहीं आ रहा तो क्या होता है, लाइव क्लास में आके कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए या उसे पूछना चाहिए अलग से? तो पूछते तो हो नहीं, या क्लास लाइव क्लास में आके कमेंट करके गायब हो जाते हो तुम, ये बेवकूफों की पहचान होती है, अलग से पूछो ना, जिससे कि हम भी अलग से पूछ पाए फिर तुमसे। कितना याद है तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 7, 2 नंबर वाले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, इसने 2 नंबर में बहुत सारी चीजें जोड़ दी है, कह रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिफाइन करिए, फिर कह रहा है एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है के, उसे बम्बार्ड किया है हमने थिन गोल्ड फॉइल पे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट है, क्या है तो बताइए, अगर इसकी एनर्जी को डबल कर दे तो आर नॉट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना है। और फिर उसके बाद एक पार्ट और दिया है, कह रहा है राइट द इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था, वही 2 ही लिमिटेशन है ले देखे। तो आओ मैं लिखाना शुरू करता हूं जिसके लिए आप आए हैं। देखिए, तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो आप बोलेंगे कि वेन नहीं एट अ सर्टेन डिस्टेंस द हाईली एनर्जेटिक हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स, और कितने ऑर्डर की होती है इनकी काइनेटिक एनर्जी,
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे वो तो वैल्यू है, ऑर्डर पूछ रहा हूँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। याद करो ये रहा न्यूक्लियस, एटम के बाहर अंदर का न्यूक्लियस जेड ई, और ये है वो अल्फा पार्टिकल 1/8000 जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी ई के। ये ऐसे गया 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 और यहां कहीं आके रुक गया। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस को ही हमने क्या नाम दिया, आर नॉट। फिर उसने पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें तो क्या होगा। तो हमारे पास आर नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन ई के। और वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दीजिए। अगर काइनेटिक एनर्जी डबल करोगे तो ये हाफ हो जाएगी, ठीक है। फिर उसने बोला लिमिटेशंस बताइए, तो लिमिटेशंस भी देख लेते हैं भाई। बोस के एटॉमिक मॉडल के क्या क्या हैं? पहला अभी अभी लिखाया था, कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ऑफ एटम, और दूसरा पॉइंट कुड नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ, अब जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी लिखते जाएं साथ के साथ, स्पेक्ट्रल लाइंस। रफ हो जाएगा तो फिर ये मत कहना हमारी स्पीड स्लो है, साथ के साथ लिखो बेटा। और लाइव क्लास होते ही खत्म, ये क्लास हट जाएगी। तो इस दुष्ट ने 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है जैसे कि 300 नंबर की चीजें डाल दी हैं। Could not explain electrical stability of atom. मतलब वही वाली बात की formation of spectral lines. हाँ अब आप बताएं भाई साहब, तुम लोग बस फॉर्मुला देख के आ जाते हो, तुम्हें लगता है अच्छा ये दिया ये दिया ये दिया। अबे ये भी तो देखो इस फॉर्मुले में कौन सी चीज क्या महत्व रखती है। हाँ बेटा आओ 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 आओ, सोचो सोचो क्यों है आप, जब तक मैं इसको इससे पूछ लेता हूं कैसे कर रहा है ये बच्चा। थोड़ा पीछे से पकड़ बेटा, हाँ ठीक है वो तो सबको पता है, मतलब ये अज्यूम कर ले कि सबको पता है, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे पूरा। हाँ वो भी सबको पता है, लिख दे डायरेक्ट फॉर्मूला। और गलत और थोड़ा गलत कुछ नहीं होता, गलत गलत होता है। कोई 10 नंबर से फेल हुआ, कोई 5 से फेल, तो दोनों फेल ही माने जाते हैं। अब वो जो ज्यादा से हुआ, जो कम से हुआ, वो अपने मन को खुश करने के लिए बोल सकता है कि वो मेरे से भी ज्यादा से फेल हुआ है। क्या कर रहे हो ये प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लाइमन सीरीज की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर मैं 913.4 ले लूं, हमने 912 ली थी याद है, याद करो मैंने आपको सारे के सारा स्पेक्ट्रल सीरीज का जो लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम निकलवाया है वो क्या लेके निकलवाया था। पर ये दुष्ट कह रहा है कि 912 की जगह 913.4 लो, तो अगर 913.4 लेना है तो फिर बामर सीरीज की सबसे छोटी वेवलेंथ बताओ कितनी होगी। अब इस बात को सिर्फ वही बच्चा समझ पाएगा जिसको पूरी डेरिवेशन आती है। बामर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो फाइनल लेवल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को गिरना होता है वो होता है 2, और वो कहां से गिरते हैं, 3 से भी गिर सकते हैं, 4 से भी गिर सकते हैं और
5 से भी गिर सकते हैं और ऐसे गिरते गिरते इन्फिनिटी से भी गिर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर मिनिमम लैम्डा चाहिए बाबर सीरीज की तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए और वो तभी हो सकता है जब आप इलेक्ट्रॉन को कहां से गिराओ, इन्फिनिटी से। ठीक है, तो अब सुनो, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जो ट्रांजिशन के दौरान ही काम करता है। ये फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में मत लगा देना, वो ट्रांजिशन ही कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में घूम रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिट का क्वेश्चन है वो, और आप लैम्डा ट्रांजिशन वाला लगा रहे हो। वहां कितनी महानता है बच्चों की, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर डी ब्रैकेट में 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो सॉल्व करते हैं, आर डी की वैल्यू रखने की गलती मत कर देना, एन एफ हमें पता है कितना 2 है और एन आई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इन्फिनिटी, ताकि हमें लैम्डा मैक्सिमम मिले या मिनिमम, मिनिमम मिले, एनर्जी के डिफरेंस जितना ज्यादा लैम्डा उतना ही कम। अब इसे जरा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम बराबर आर डी और इधर आ जाएगा 1/4। हमें 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम चाहिए या लैम्डा मिनिमम चाहिए, तो इसका उल्टा कर दो, लैम्डा मिनिमम हो जाएगा 4/RD। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, और हम जानते हैं 1/RD ही लाइमन सीरीज की, हम मतलब मैं जानता हूं कि 1/RD ही लाइमन सीरीज की सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है 913.4। तो इस बार हमें 1/RD 912 के बजाय कितना रखना पड़ेगा, और आंसर उसी हिसाब से आ जाएगा। तो पहले ही आता था 36 48, अब ये 36 48 तो नहीं आएगा, ये ज्यादा ही आएगा, 3653.6 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर है भाई साहब। दो नंबर मिल गए हमें फोकट के, बस थोड़ा सा दिमाग काम करना चाहिए हमारा, आज के मंगलवार है, बूंदी कहाँ है बैग में, फॉर्मूले के लिए लगाते हैं। अरे यार, हाँ बेटा, फौरा हाँ पूरा बताओ, हाँ आप सही है, बताओ फौरा, धीरे धीरे करना बेटा, मेरे को लिखना है, फॉर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आगे द एनर्जी एमिट्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, आगे बताओ, व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर टू, जब भी मेरा पेपर छूट जाता था ना, मतलब ऐसा लगता था छूटने वाला है, तो फिर मैं सीधे के बजाय ऐसे वाले में लिखने लग जाता था, होता कुछ नहीं, बस थोड़ा फील लगता है कि हम बहुत फास्ट लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा होता कुछ नहीं है, पेपर तब भी छूट सकता है, हाँ फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बस, बताइए और भी कुछ था है, वो सब होता है, हाँ चलो बता दो, दो नंबर की इज्जत तो रखनी पड़ेगी, एंड एब्जॉर्ब्स द एनर्जी टू गेट एक्साइटेड, बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चलिए तो ये था प्यारे बच्चों इसका स्टेटमेंट, अब हमें क्या करना है, एक चित्रकारी और कर देनी है बस, दो नंबर के लिए यहां लिख देना है एनआई और यहां लिख देना है इसकी बेंच एनआई, ये है ऊपर से नीचे तक, क्या क्या बोला बेदू, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से जम करके यहां आ जाएगा, और जब भी ऐसा होगा तो क्या करना है, एक फोटोन रिलीज होगा और उस फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या होती है, एच न्यू। तो आपको बस वही लिखना है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज होगी, पूरा फॉर्मूला मत लिख के आना है, बस इतना लिखना है, वो ई आई और ई एफ के डिफरेंस के क्या होगी, मॉड के बराबर होगी, याद करो मैंने ये किया था। इसके बाद लैम्डा का प्रूफ शुरू होता है, यहाँ एफ सी बाय लैम्डा लिख देते हैं, यहाँ इनके फॉर्मूले की वैल्यू लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करते हैं, हो जाता है, करना नहीं, कौन से वाले गए थे, कौन से वाले, लक्ष्मी राजन दक्षिण मुखी, आज की बूंदी अखिलेश की तरफ से, मजा तो आता है भाई साहब, ऐसे ऑसम फीलिंग आती है, बूंदी खाने नहीं मंदिर जाने, वो अभी भी बूंदी पे ही पड़ा हुआ है, मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, पीली वाली पीली और नीली कर रहा है, अबे गीली हो जाएगी, क्वेश्चन पे ध्यान दो,
पढ़ो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फोर्थ से, फोर्थ मतलब एन की वैल्यू फोर, और एन बराबर वन में जंप कर रहा है, तो आपको बताना है कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है। अभी तो वो वाला है तो बस वही करते हैं। अब क्या है, डायग्राम बनाने के और फॉर्मूला लिख के सॉल्व करने के नंबर मिलेंगे। बताओ इलेक्ट्रॉन कौन सी लेवल में था, चार में, और किस में गिरा है, फर्स्ट में गिरा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या होता है, एन आई ब्रैकेट में एन आई माइनस टू अपॉन थ्यू। हाँ तो मैं वही लिख रहा हूं, ये कितना है फोर, ये फोर माइनस वन थ्री अपॉन टू, कितना हो गया सिक्स। अब ये छह कौन कौन से ट्रांजिशन थे, कौन आगे बनाएगा, छह हो गई, चलो हाँ फिर उसका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है फिर, अगर मान लो फाइनल लेवल वन नहीं है तो फिर उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, उसका हो जाएगा, कोई बात नहीं हम बता देते हैं। प्लस वन या प्लस टू अपॉन टू, इस तरीके से कुछ होगा, फिर ऐसा है ना, फाइनल भी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगी, वही आएगी यार लगभग पर वही आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें करना तो सॉल्व तब भी पड़ेगा, दो नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू थोड़ी लिख देंगे, क्यों भाई, तो डायरेक्ट वो थोड़ी लिख देंगे, 36-48 अंतर आएगा थोड़ा सा, तो वो वैल्यू पुट करके देख लेंगे, उसमें का टेंशन है। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो एक बार ध्यान से, क्या क्या पूछ रहे थे, हाँ रेडियस वाला ही है, कोई डायग्राम वाइग्राम नहीं बनाओगे, गोला वाला इलेक्ट्रॉन कुछ न्यूक्लियस रेडियस, क्या बात है, गर्मी कुछ ज्यादा नहीं आज, बहुत ज्यादा है, मेरा नाम चिंचिंचू राजधानी में और हावर वंडर वन What are you, क्या I do teach, I do daily test in which बच्चा got fail, क्या बोल रही हो, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वो दो पेज पढ़ने पड़ेंगे जो मैंने आपसे आज से चार दिन पहले बोला था, आपने इसलिए नहीं पढ़ा होगा कि आपके बिजनेस चल रहे हैं, साइड बिजनेस सबके, अगर आपको क्वेश्चन करना है घर जाके एनसीईआरटी के वो दो पेज पढ़ लेना, अपने आप आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे होगा। अरे एनसीईआरटी पर शक कर रही हैं आप, आपको क्या लगा मैंने क्यों बोला था वो आपसे पढ़ने के लिए, उन दो पेजों के चक्कर में हमारे तीन क्वेश्चन निपट गए, हल्के में लेते हो ना मेरी बातों को, खुद हल्के हो जाते हो फिर, क्या बात है गुरु, जल्दी कर दो बस, अब छपाक चाहिए चाहिए चाहिए, हो रे लम्हे कहीं मत जा, दो पेज दिए थे पढ़ने को पढ़ के मत आ, डूब जाए जाए जाए, डूब जाए रे रे, अब ये हाई पिच आ गया था ना इसलिए मैंने थोड़ा डाउन कर, जाए रे आवाज इतनी बुरी सुनने को मिल रही है, उसे अरिजीत सिंह का फैन है वो, और उसे पुनीत सिंह की आवाज मिल रही है
अरे हर्ष नहीं करूंगा भाई, परेशान मत हो, कोई लेक्चर डिलीट नहीं हो रहा, वो कल गलती से हो गया था यार, इसने परेशान कर दिया आज की क्लास में। रो नहीं गया है, मैथ की क्लास ले रहा होगा, ये बीच बीच में आके रिप्लाई कर रहा है, प्लीज लेक्चर मत करना मेरे भाई, नहीं कर रहा, टेंशन मत ले, मेरा मोटिव यहाँ तुम्हें परेशान करने का नहीं है, खुद होते हो वो बात अलग है। सही कर रहा है, सही कर रहा है। अबे कितनी बार जेड लिखेगा भाई, ये लिख तो दिया, सॉरी कोई बात नहीं है, बाहर लिखने, हाँ चल अरे क्यों लिख रहा है इतना, डायरेक्टली कांस्टेंट बना के लिख देना आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। चलो भाई ये थी कहानी, इस लड़के ने पूरा प्रूफ करके दिखाया है तरीके से। आइए, इसलिए नहीं मिल पाई अरुण क्योंकि कल वाले में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं करवा पाऊंगा उसको अपलोड बेटा, इसलिए तो आज क्लास शुरू होते ही मैंने दोबारा कराए हैं पांचों क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन मेरे को लगता है मैंने आपको शायद पहले किसी टेस्ट वेस्ट में दे रखा है। हम क्या करते हैं, हम इस लैम्डा से एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एनर्जी डिफरेंस से लैम्डा निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बेवकूफी वाला कदम है क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिशन है, किस किस को चेक करोगे। तो क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, जो आपको लैम्डा दे रखा है ये बताओ फोटोन कब रिलीज होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चौथा पोस्टुलेट लिखा था, अभी एक क्वेश्चन में आया था, उसके नीचे मैंने कंडीशन लिखी थी, ई फोटोन बराबर दोनों लेवल्स के एनर्जी का डिफरेंस, यानी कि इसे हम बोलते हैं डेल्टा ई। क्या बोलते हैं, और डेल्टा ई बराबर होता है एससी बाय लैम्डा। क्या होता है, तो मेरे को एससी की वैल्यू पता है 2 × 10^-25, और लैम्डा भी मेरे को पता है कितना है 796 नैनोमीटर, नैनो मतलब ऊपर ले जाओ। देखो अब देखो एक स्मार्ट वर्क बता रहा हूं, ये 496 ना आपको परेशान करने के लिए दे रखा है जानबूझ के, और यहां पे मेरे ऐसे लोगों की बातों की जरूरत पड़ती है। 496 आप देख भले ही लो पर इसे मानो 500, और जैसे ही आपने इसे 500 माना ऊपर 4 आ जाएगा नीचे 1000 आएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.1, नीचे 1000 आता ना -6 ऊपर जाएगा तो -19, ये जूल में आ रहा है, किसमें आ रहा है। अब मैंने इतनी जल्दी क्यों कर दिया एप्रोक्सीमेशन, अगर आप 496 लेके करोगे करते रहो डिवाइड, मैंने 496 को 500 बना दिया, और हम सब जानते हैं 2/500 कितना होता है, यार बोलते नहीं है यार ये बच्चे यार। अच्छा ऊपर 2 और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना आ गया 4, नीचे कितना आ गया 10^3, और नीचे 10^-9 भी तो है, कितना बचा -6, और ऊपर एक और पावर लिखी हुई है -25, -6 जब ऊपर जाएगा -25 में कितना बचेगा, कोई लिखा है तुम्हारे भाई ने, ये तो तब है जब अभी मैंने बूंदी नहीं खाई है, सोच अगर बूंदी खाऊंगा तो क्या होगा, फट जाएगा क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। तो भाई साहब ये तो जूल में आई है, और यहां किसके बारे में कंपैरिजन किया जा रहा होगा। अच्छा ओहो, आप में से कई बच्चे तो सोच रहे होंगे भैया एनर्जी तो देनी है, निकाले कैसे, एनर्जी वो देगा ही नहीं, वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है, इसकी कितनी होती है, इसकी 3.4 मान लो, अरे बहुत है 1. ये मान रहा है वो चाहता है आपको खुद लिखनी हो एनर्जी, सब थोड़ी देगा। अब यार एक बात बताओ, ये जूल में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में समस्या आ गई ना, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के डिवाइड, कितना आएगा 4.1/, अगर ये 4.8 होता तो 3 बार जाता, कितनी बार जाएगा भी है 2.16 × 25, तो 4 लगभग 2.5 टाइम या 2.55 जा रहा है, तो ये आ जाएगा 2.5 के आसपास। अब इतना डिफरेंस कौन से ट्रांजिशन में बैठ रहा है ये देख लो गुरु, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है, अरे 3.4 और 1.5 में अंतर लगभग 2 का है, अरे यार बोल दो यार, तो बस ये देख लो मुझे तो इसी का अंतर लग रहा है, बाकी में देखो एफ वाला ट्रांजिशन तो 10 का अंतर देगा, ए वाला तो बहुत ही कम देगा, बी हो सकता है, हाँ बी हो सकता है, बी की एनर्जी बताओ कितनी होती है -0.5, आंसर तो नहीं लिखा था कहीं, तो 3.4 और 0.85 यही आएगा 2.4 कुछ के आसपास, तो ट्रांजिशन बी इज दी करेक्ट आंसर नॉट डी, ऐसे पता करते हैं।